हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकिता एंड वेलकम टू टेक्नो लॉर। सो डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो के अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को। देखिए, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं यहाँ पर डीआरडीओ के जिनका जो एग्ज़ाम है वो यहाँ पर होने वाला है। फ़िलहाल मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर टेक ए वाले जो स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए। तो देखिए, अभी आपका जो एडमिट कार्ड है वो आ चुका है और आपने अपना एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड भी कर लिया होगा। अगर किसी स्टूडेंट्स को यहाँ पर एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में कोई भी इशू आता है तो देखिए, टेक्नो लॉर पर एक वीडियो है हाउ टू डाउनलोड एडमिट कार्ड, तो उसे देखकर आप डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपका इनवैलिड लॉगिन दिखा रहा है उसके बाद आप कैसे डाउनलोड करोगे वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर आपको बता रखी। ठीक है, आप विजिट कीजिए उस चीज़ों को देखिए। अगर फिर भी आपका एडमिट कार्ड नहीं डाउनलोड होता है तो पहले आपको ये चेक करना होगा कि आपने कौन सा फॉर्म यहाँ पर फिल किया है, एडमिन एलएड वाला किया है या फिर एसटीए बी के लिए, तो वो सारी चीज़ें आपको चेक करनी होंगी। ठीक है, फिलहाल के लिए टेक ए वालों का एडमिट कार्ड आया हो वो आप डाउनलोड कर लीजिए। अगर किसी बच्चे को यहाँ पर टेक ए से रिलेटेड जो एडमिट कार्ड है उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आता है तो टेलीग्राम से जुड़कर वहाँ अपना एप्लीकेशन और डीओबी आप हमसे शेयर कर सकते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं वहाँ पर, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, तो कोशिश की जाएगी कि आपकी भी वहाँ पर हेल्प की जा सके। क्लियर है? तो देखिए, वीडियो में हम आज डिस्कस करेंगे कुछ आपके इंस्ट्रक्शंस हैं जो डीआरडीओ की तरफ से आपको दिए गए हैं, या फिर मैं कहूँ यहाँ पर कि अगर आप एग्ज़ाम हॉल में जा रहे हो, अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, 10 तारीख को जो आपका एग्ज़ाम है वो यहाँ पर क्या है कि कंडक्ट करवाया जा रहा है। तो 10 तारीख को जब आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो कुछ चीज़ों को आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम हॉल में जाते हो और वो सारी चीज़ें अगर आपसे मिस आउट होती तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ सकती। देखिए, काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं एडमिट कार्ड डाउनलोड किया होगा तो उन्हें यहाँ पर क्या है, सबसे नीचे अगर आप देखोगे तो अभ्यर्थियों के लिए अनुदेश यानी कि जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो आपको ऑलरेडी दिए गए हैं। आप सारे के सारे पॉइंट्स को खुद भी पढ़ सकते हो, लेकिन जो कुछ मेन पॉइंट्स हैं उन्हें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर हम पॉइंट की बात करते हैं तो वो आपका यहाँ पर क्या है कि एडमिट कार्ड को लेके। देखिए, जब भी आप एडमिट कार्ड को लेके यहाँ पर हम बात कर रहे हैं तो देखिए, यहाँ पर साइड में आपका क्या एक वाइट बोर्ड है, उसमें मैं सारी चीज़ें शॉर्ट में लिखूंगी, उसे आप ध्यान दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले तो जो आपका यहाँ पर कलर जो प्रिंट आउट है वो आपको लेके जाना है एडमिट कार्ड का। अगर आप कलर नहीं लेके जाते हो तो ब्लैक एंड वाइट भी चल जाएगा, लेकिन आपको क्या है कि कम से कम 2 कॉपियां तो वहाँ पर आपको लेकर जानी है। ठीक है, हो सकता है एक आपके पास सबमिट हो जाए तो एटलीस्ट आपके पास एक कॉपी रहनी चाहिए। उसके साथ ही आपका जो भी यहाँ पर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होगा आपका ही फ़ोटो होना चाहिए, ऐसा नहीं कि किसी और का फ़ोटो लेकर जा रहे हो, तो आपको अपना एक फ़ोटो लेके जाना है। साथ ही आधार कार्ड, कोई भी आपका पहचान पत्र जो है उसे आप लेकर जा सकते हो। यहाँ कुछ मेंशन नहीं किया गया कि आपका आधार कार्ड ही हो, तो अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है वो आप लेकर जा सकते हो, लेकिन आधार कार्ड जो है वो सभी के पास होता है तो आप उसे ही लेकर जाएँ तो ज़्यादा यहाँ पर क्या होगा, बेटर होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं। परीक्षा केंद्र के अधिकारियों द्वारा अभ्यर्थी के प्रवेश पत्र तथा पहचान पत्र को सत्यापित किए जाने के बाद ही उसे परीक्षा देने की अनुमति दी जाएगी। देखिए, आपका जो एडमिट कार्ड है उसके अंदर जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो अगर आपके आधार कार्ड में है दैट्स वेल एंड गुड। कुछ स्टूडेंट्स का यहाँ पर कमेंट था कि जो उनका यहाँ पर क्या डीओबी है वो गलत फिल हो गया या फिर बहुत सारी चीज़ें थी, फादर नेम गलत कर दिया, तो देखिए उसके लिए अभी आपके पास क्या है कि आप मेल कर सकते हो। डीआरडीओ के अंदर मेल करके इस चीज़ को वहाँ पर बोल सकते हो कि ये मिस्टेक मेरे से हुई है, तो हो सकता है कुछ रिस्पांस आपको देखने के लिए वहाँ से मिल जाए। अदरवाइज़ आप बता सकते हो कि इस तरह की प्रॉब्लम हुई थी, अदरवाइज़ जो ओरिजिनल आधार कार्ड है आपका आप उसे वहाँ पर ज़रूर लेके जाओ। ठीक है, उसके बाद देखिए, परीक्षार्थियों को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित रिपोर्टेड टाइमिंग का बहुत ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो आपका रिपोर्टिंग टाइम है, खासकर जो शिफ्ट फर्स्ट वाले स्टूडेंट्स हैं, अगर वहाँ पर उनकी क्या रिपोर्टिंग टाइम 7:30 से 8 या जो आपका क्लोजिंग गेट है वो आपका 9 बजे, तो उससे पहले क्या है कि आपको अपने सेंटर पे पहुंचना होगा। बहुत सारे आपने भी यहाँ पर वीडियोस देखे होंगे, बहुत सारे आपने भी न्यूज़ देखे होंगे कि 2 मिनट लेट होने पे भी क्या है कि आपको अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। तो टाइम के लिए पंचुअल रहिएगा, टाइम पर अपने सेंटर पर पहुँचिएगा और हो सके तो जो भी आपका सेंटर है वहाँ पर एक दिन पहले जाकर आप विजिट ज़रूर करें, ताकि आपको क्या है कि नेक्स्ट डे जाने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्या जाता है, परीक्षा समय सत्र के अनुसार किसी भी परिस्थिति में बदलाव नहीं किया जाएगा। तो देखिए काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे कि क्या कोविड की वजह से उनका जो एग्ज़ाम है वो कैंसिल होगा, तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। दूसरी चीज़ जो आपका यहाँ पर क्या है कि सेंटर चेंजमेंट वो भी आपका नहीं होगा, तो जो सेंटर आपको मिल गया है वही आपका क्या है फाइनल है, ठीक है। उसके बाद देखिए फ़ोटोकॉपी के लिए आपसे बोला गया, जैसे मैंने आपको पहले बोला कि आपके पास एक एक्स्ट्रा जो फ़ोटोकॉपी है वो आपके यहाँ पर होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर आप क्या है कि परीक्षा का छोड़ने से पहले अपना प्रवेश पत्र पर्यवेक्षक को जमा करना होगा, यानी कि देखिए एक कॉपी आपकी क्या है कि वहाँ पर जमा करनी जरूरी है, तो इसीलिए आप दो ज़रूर लेके जाइए, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है 7 नंबर पर देखिए कि आप जब तक आपका क्या है कि टाइम ओवर नहीं हो जाता या फिर जो भी आपका यहाँ पर क्या है कि टीचर रहेगा आपकी क्लास के अंदर, जब तक आपको नहीं बोलता जाने के लिए तब तक आपको वहाँ पर क्या है कि नहीं जाना है अपनी क्लास को छोड़कर, ठीक है। उसके बाद देखिए ये सारी जो चीज़ें, ये जो आप 9th नंबर पर देख रहे हो किताबें, नोट्स, कागज़ के टुकड़े, कलम, ये सारी चीज़ें क्या अलाउड नहीं है। देखिए बहुत सारी चीज़ें क्या है कि इसमें बोला गया है कि बाहर जो सेंटर है कोई भी यहाँ पर आपकी क्या है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली जा रही इन सारी चीज़ों को देखभाल करने के लिए। तो अगर आपके साथ में कोई जा रहा है वहाँ पर रह सकता है तो आप भाई पानी की बोतल वगैरह ये सारी चीज़ें ले जा सकते हो, लेकिन एग्ज़ाम हॉल के अंदर आपको ये सारी चीज़ें क्या है अलाउड नहीं है। चाहे आप फिटनेस बैंड है, चाहे आपका घड़ी है, चाहे आपका पर्स है, वॉलेट है, कोई भी चीज़ वो आपको वहाँ पर क्या है लेकर नहीं जाना है। तो इस चीज़ को याद रखिए, इससे बेटर है कि ये सारी चीज़ें आप क्या है कि घर मर ही छोड़ कर जाएँ, ताकि क्या है कि आपके खोने के भी कोई समस्या वहाँ पर ना हो, ठीक है। उसके बाद देखिए 10th में यही बोला गया है कि कोई सामान रखने के लिए कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अगर आपका कोई भी सामान लॉस होता है तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। जो भी आपका परीक्षा केंद्र है, जो भी आपका सेंटर है, उन लोगों की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। वैसे ज़्यादातर यही होता है सेंटर्स पे कि आपको कुछ पैसे लेके आपका जो बैग है वो डिपॉजिट करवाया जाता है। तो बैग भी अगर आप दूर से आ रहे हो तो ज़्यादा ऐसी चीज़ें मत लिखिए जो आपकी कॉस्टली हो, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो, ठीक है। कुछ भी नहीं कहा जा सकता, कुछ भी हो सकता है, आपका सामान भी गायब हो सकता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ें हों, आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, उन्हें ही रखिए। ज़्यादा कॉस्टली चीज़ों को आप अपने बैग में मत रखिएगा, ठीक है। देखिए उसके बाद नकल करने की कोशिश बिल्कुल मत करिएगा, अदरवाइज़ क्या है कि आपको वहाँ से हटा दिया जाएगा। आपका जो एग्ज़ाम है वो भी वहाँ पर क्या है कैंसिल कर दिया जाएगा। जितना पढ़ा है अपने आप पर बिलीव करके उतना ही पढ़ के जाइए, और उतने ही आप क्या है कि देखिए जितना आपने पढ़ा है ना उसमें से ही एग्ज़ाम अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा। कहीं इधर उधर से किसी और के चक्कर में पढ़ने की कोशिश बिल्कुल मत करिएगा कि आपको कोई पेपर दे रहा है या फिर आपको क्या है कि भाई मैं तुझे पास करा दूंगा। इन सारी चीज़ों के अंदर आपको क्या है बिलीव नहीं करना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या है ध्यान रखनी, यही सारी चीज़ें थी। और देखिए को बहुत सारे लोगों की यहाँ पर फिर भी, जबकि ये चीज़ ऑलरेडी मेंशन की गई है आपकी कि आपका जो DRDO का एग्ज़ाम है उसके आपका क्या है नेगेटिव मार्किंग को लेके, तो देखिए नेगेटिव मार्किंग आपकी यहाँ पर नहीं होगी। आपके क्या है देखिए 120 क्वेश्चन आएंगे, आपको 1.5 घंटे का टाइम मिलेगा, और 120 क्वेश्चन में सबसे पहले आपको क्या है यहाँ पर जो क्वेश्चंस आपको अच्छे से आते हैं, ठीक है, कोशिश कीजिए कि आप 1 घंटे के अंदर सारे क्वेश्चंस को कवर कर लें, ताकि जो लास्ट के जो 30 मिनट्स है ना वो आपको यहाँ पर क्या है कि सिर्फ और सिर्फ चेकिंग के लिए मिल जाए। कोशिश यही कीजिएगा कि 1 घंटे 60 मिनट के अंदर आप यहाँ पर 120 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लो। अदरवाइज़ क्या है कि जो क्वेश्चंस आपको श्योरली आते हैं वो क्वेश्चंस आप पहले अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। बाद के जो 30 मिनट्स हैं उन पर अपना क्या है कि दिमाग लगाओ, जो भी आप अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा सकते हो उन्हें दौड़ा सक क्वेश्चन आपको क्या है कि कोई भी नहीं छोड़ना, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सबसे अच्छी चीज़ आपके लिए यही है कि आपका जो नेगेटिव मार्किंग है वो यहाँ पर नहीं, तो आपको क्वेश्चंस तो पूरे 120 अटेम्प्ट यहाँ पर करने ही होंगे, चाहे आपको आता हो चाहे आपको ना आता हो। कोशिश करिए कि आप थोड़े बहुत भी अगर श्योर है तो आप उस क्वेश्चंस को ज़रूर अटेम्प्ट कीजिए। क्वेश्चंस आपको वहाँ पर क्या है छोड़ने नहीं, क्लियर है सारी चीज़ें। तो यही सारी इन्फॉर्मेशन थी, होप सो ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर इसके रिगार्डिंग कोई और डाउट या फिर इस पूरे जो आपको इंस्ट्रक्शंस दिए गए इसके अंदर अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में, टेलीग्राम ग्रुप पर, फेसबुक पे या फिर इंस्टाग्राम पर आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। क्लियर है सारी चीज़ें। तो चलिए, वीडियो अगर आपको जेन्युइन लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही अगर चैनल पर किए हैं फर्स्ट टाइम विजिट तो यहाँ पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को कर दीजिएगा है, ताकि इसी तरह के नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहे। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए पेशेंट के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।